हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर c1x³ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, और नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन अगर देखे तो हमारे पास कर्व है y बराबर c1x³, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx बराबर c1 3x², या इसको लिख सकते हैं हम, या dy/dx को यहां पे हम ये लिख लें y-। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास c1 बराबर आ गया, देखो c1 बराबर y/3x², जो c1 इस टर्म को 3 और x² नीचे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास। तो c1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास y बराबर y/3x² .x³। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास x² से पावर कट जाएंगे 2, ओनली x बच गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया इम्प्लाइज y/3y/x, थ्री बाई और इसको नीचे डिवाइड कर दिया, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमारे पास हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली जो dy/dx जो क्या है dy/dx है, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम सिंपली रिप्लेस dy/dx / dx/dy, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास -dx/dy = 3y/x। ये हो गया यहां से। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, माइनस साइन को इधर ला सकते हैं। ये हो गया फिर हमारे पास। अब अगर यहां से देखें तो इस x को इधर ले आता है तो ये x/dx = -3y/dy + c2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तो c2 अभी ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हो, इंटीग्रेशन करने पे x² = -3y² / 2 - 3y² / 2 + और c जो कांस्टेंट है उसको भी हम c2/2 ले लेते हैं। जो कॉन्स्टेंट हम बेसिक सी लेना होता है उसको हमने c2/2 ले लिया। तो यहां से सभी तरफ से 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये कट गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास x² इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 3y² = c2, x² + 3y² = c2। अगर ये ऑप्शन कहीं मैच करता है तो हमारे पास करेक्ट आंसर है x² + 3y² = c2, एंड डी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।